अब आते हैं जेके क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी दिया हुआ कि 2 point charges minus 2 plus 2 by root 3 are placed in the xy plane at origin and 2, 0. तो एक चार्ज है minus 2, 0 जोड़े पे, एक चार्ज है 2, 0 पे, as shown in figure. This result in an equipotential circle of radius r and potential V0 in the xy plane with its center at B, 0 और length are measured in meter. ये क्वेश्चन को और मुश्किल बना सकता था, वो बोलता कि दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू है और एक क्यू बाय रूट थ्री है, पहले ये बताओ उन सारे पॉइंट का लोकस बताओ जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो आपका पैराबोला भी सकता था, सर्कल भी सकता था, एलिप्स भी सकता था, बट यहाँ पे दे रखा है उनका लोकस है सर्कल है और उस सर्कल का आपको क्या बताना है, रेडियस, ठीक है, और वैल्यू ऑफ बी बताना, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। अब क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, 2021 जी का क्वेश्चन ये। तो दो चार्ज दिए हैं, पहले डायग्राम बनाए थे, एक चार्ज है आपका माइनस क्यू और एक चार्ज है आपका क्यू डिवाइड बाय रूट थ्री, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2, 0 दिया हुआ है, तो मेंशन कर रखा है। अब हमने मान लिया इन जनरल, मैंने मान लिया इन जनरल पूरी स्पेस में एक पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या है, जीरो है, तो इसको मिला देता हूं मैं और इसको मिला देता हूं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ये कितना हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिस्टेंस फॉर्मूले से डायग्राम छोटा हो गया और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और y माइनस जीरो प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, तो मैंने मान लिया कि इन दोनों चार्ज के जैसे पूरे स्पेस में किसी भी एक पॉइंट पे जहां पोटेंशियल जीरो होगा उसको मैंने x कॉमा y नाम दे दिया और डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया और हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया और मैंने नाम दिया इसको a, इसको नाम दिया b। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या है, जीरो, और पी पे पोटेंशियल जीरो के दो सोर्स है, या तो पोटेंशियल ड्यू टू a प्लस पोटेंशियल ड्यू टू b शुड बी जीरो, दोनों जीरो होने चाहिए। उसके बाद अब वैल्यू पुट कर देते हैं, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था अभी 2a/RA प्लस qb/RB इज इक्वल टू जीरो। अब इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा और qa की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस क्यू और आर ए वैल्यू, आर ए का मतलब क्या होता है, चार्ज से पॉइंट की दूरी, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यू बी, क्यू की वैल्यू कितनी है, प्लस 2/√3 डिवाइड बाई आर बी का मतलब ये डिस्टेंस, रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी जीरो। अब दोनों को इधर शिफ्ट कर देते हैं, अब क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 रूट एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और मैंने स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब सॉल्व करते हैं, तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा ए माइनस, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 4x प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x² और प्लस 3y² और 3×4=12x प्लस 3×4=12 प्लस 12 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उन दोनों को इधर ले जाओगे तो 3x² में से x स्क्वायर माइनस जाएगा तो बचेगा 2x², 3y² में से माइनस जाएगा तो प्लस 2y² बचेगा,
माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारा, क्या आ गया बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, फिर क्या था, माइनस 12x प्लस 12, माइनस 12x प्लस 12 विल बी जीरो। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इन सबको ऐसा करते हैं, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, इसको लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस t का स्क्वायर कर देते हैं और 3 स्क्वायर में ऐड कर दिया। देखो अगर मैंने 3 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर भी कर दिया और 3 स्क्वायर ऐड भी कर दिया तो बात तो कोई फर्क पड़ेगा ना एक्सप्रेशन पे, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। अब ये स्क्वायर बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ पे आपका माइनस कर देते हैं, क्या माइनस, ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 3 का बन गया होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस y स्क्वायर रह जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 और प्लस 6, तो माइनस 3 बचेगा उधर जाके आपका बन जाएगा 3। ठीक है, देखो ये 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 6 तो माइनस 3 हो जाएगा, उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और भी कहीं से रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर देते हैं, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका होता है r स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर कर दोगे तो यहाँ पे जो a आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 3, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और आपका r की वैल्यू आ जाएगी रूट 3। तो जो आपका सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, तो सर्कल का जो सेंटर होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0 और जो आपका रेडियस आ गया, आपका जो रेडियस होगा वो आपका आ जाएगा रूट 3। ठीक है, आप देखते क्वेश्चन में यही पूछा था आपको कि द वैल्यू ऑफ आर इज इन मीटर, किसका आंसर होगा रूट 3 और द वैल्यू ऑफ बी, बी मतलब सेंटर, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया, सेंटर का कोऑर्डिनेट आया 3, 0 तो बी की वैल्यू कितनी होगी 3, तो कंपेयर कर देंगे तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बी की वैल्यू आई है वो 3 आई है। इसके साथ ही तो मैंने अपनी तरफ से ए और बी माना, क्वेश्चन में बी का मतलब ये पूछा हुआ वाली वैल्यू, तो बी आपकी 3 आ गई। ये आपका जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। एडवांस 2021 का ये क्वेश्चन है। तो इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग बच्चों रीड किया करो तो उसे ध्यान से रीड किया करो। जैसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उन दोनों पॉइंट चार्ज की वजह से लाइन सेगमेंट पे कहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले समझना कि एनसीईआरटी में ऐसा पूछा क्यों गया कि उन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन पे ही क्यों पूछा गया, जबकि जब मैंने पिछले चैप्टर में पूछा था कि कहाँ नल पॉइंट होगा, एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया था अगर 2 चार्जेस तो नल पॉइंट कहाँ होगा, बट इस बार से मेंशन कर दिया ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। इस मेंशन करने के पीछे ये लॉजिक था कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो हमें 2 ही सॉल्यूशन पूछने थे इसलिए हमने ऑन द लाइन कर दिया। तो अगर मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊं तो अगर आपके 2 चार्जेस हैं तो अगर नल पॉइंट पूछे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 होगा तो हमेशा उसका सॉल्यूशन 1 होगा या 1 भी नहीं होगा, और मैंने बताया था अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम है तो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के बीच में होगा, अपोजिट नेचर है तो बाहर की तरफ होगा, कभी कभी वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो नल पॉइंट हमेशा मैक्सिमम सॉल्यूशन 1 आएगा अगर 2 चार्ज दिए हुए, ये 2 चार्ज की वजह से कितने ऐसे पॉइंट हो गए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो हमेशा ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे 1, बट अगर 2 चार्ज दिए हुए दोनों कैसे अपोजिट चार्ज दिए, अपोजिट पोटेंशियल कहा 0 होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और अगर 2 चार्जेस है तो लोकस हमेशा कैसा होगा, सर्कल होगा, उसका सेंटर उसका रेडियस हम निकाल सकते हैं, जैसे अभी क्वेश्चन 2021 का हमने सॉल्व किया। ठीक है, और कभी भी दोनों चार्ज का अगर नेचर सेम है तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। अच्छा, ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस पे हमेशा 2 सॉल्यूशन होंगे,
एक पॉइंट होगा तूने इंटरनली डिवाइड करा होगा, इंटरनल डिवीजन होगा रेशियो में, एक होगा तूने एक्सटर्नल डिवाइड करा, दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक मैंने आप लोग को शॉर्टकट तरीका बताया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको इस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।